अयोध्या में बसा राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर एक सुई की नोक जितने लोहे का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक ऐसा मंदिर जहां पर अंटार्कटिका के बर्फ का पानी इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव में अयोध्या की शुद्ध मिट्टी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक नहीं, सौ नहीं, बल्कि पूरे 2587 अलग अलग जगह की मिट्टी मौजूद है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिल में बसी हजारों साल पुरानी आस्था है। मजबूती के हिसाब से देखा जाए तो यह पूरे भारत का सबसे मजबूत मंदिर है। ये मंदिर 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। इसमें कुल मिलाकर 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं। ये सब तो आम बातें हो गई जो आपने सुन रखी हैं। आइए अब जानते हैं राम मंदिर के कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम मंदिर के निर्माण में जितनी भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है उन सब पर श्री राम लिखा हुआ है। हर एक ईंट पर श्री राम के साथ साथ ईंट के मैन्युफैक्चर का साल भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि राम सेतु बनाते वक्त भी हर एक पत्थर पर श्री राम लिखा गया था। इस मंदिर में लगने वाली सभी ईंटें स्पेशल फॉर्मूले से बनाई गई हैं, जो सामान्य ईंट से चार गुना मजबूत है। राम मंदिर को बनाने में स्टील या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया, फिर भी ये भारत का सबसे एडवांस मंदिर है। ये मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर की नींव में 2587 अलग अलग जगह की पवित्र मिट्टी मौजूद है। इसमें झांसी, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, चित्तौड़गढ़, गोल्डन टेम्पल और भी बहुत सारी जगह शामिल हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड से भी मिट्टी भेजी गई थी, जो भारत की सीमाओं से बाहर भी भगवान राम की विरासत को मजबूत करती है। अप्रैल 2023 में जब पहली बार राम मंदिर में जल अभिषेक हुआ था, तब पूरे विश्व की 155 अलग अलग नदियों से जल लाया गया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, रूस और कनाडा, इन सब देशों से नदियों का जल लाया गया था और यहाँ तक कि अंटार्कटिका के बर्फ का पानी भी लाया गया था। एक साथ इतनी सारी नदियों का पानी किसी भी मंदिर के जल अभिषेक में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इस मंदिर के निर्माण में पिंक सैंडस्टोन नामक पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो राजस्थान से मंगवाया गया है। इस पत्थर में फेल्डस्पार और क्वार्ज नामक मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह धरती पर मौजूद सबसे मजबूत पत्थरों में से एक है। ये मंदिर बुरे से बुरे मौसम को भी झेल लेगा, और मौसम झेलना तो कुछ भी नहीं है। राम मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि अगर 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी आ जाए तो भी ये मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा। 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप से शहरों का कुछ ऐसा हाल होता है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। आर्टिस्ट ने ये भी कहा है कि इस मंदिर की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है, यानी हमारी आने वाली 10 जनरेशन तक भी ये मंदिर ऐसे ही खड़ा रहेगा और उसके बाद ही यहाँ मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहाँ पर हनुमान जी का जन्म स्थान है, वहाँ से भी पत्थर लाकर इस मंदिर के निर्माण में लगाया गया है। राम मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में बनाया गया है। सिंह द्वार से कुल 32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश होगा। दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। राम मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इस मंदिर में 392 पिलर्स हैं। हर पिलर के ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस मंदिर में कुल 46 दरवाजे हैं। इनमें से 42 दरवाजों पर पूरे 100 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। ये मंदिर 3 मंजिल का है, जिसकी हर मंजिल 20 फीट ऊंची है। राम मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि का संपूर्ण इतिहास लिखा होगा। टाइम कैप्सूल रखने का मुख्य उद्देश्य मंदिर की पहचान को सुरक्षित रखना है, ताकि भविष्य में इसे कोई भूल न जाए। राम लला की मूर्ति बेहद ही खूबसूरत है। इनकी मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से हुआ है, जिसका रंग काला होता है। जिस शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है उसकी आयु हजारों साल होती है। इस मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही चंदन और रोली लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम लला की मूर्ति का वजन करीब 200 किलो है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगिराज द्वारा किया गया है। चौथी पीढ़ी के दर्जी श्री भागवत प्रसाद और श्री शंकर लाल जी ने राम लला की मूर्ति की पोशाक सिली थी। राम लला का सिंहासन मार्बल के पत्थर से बनाया गया है, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया है। इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर के निर्माण के लिए आई हैं।
मंदिर के भवन में एक साथ 10,000 से अधिक श्रद्धालु राम लला के दर्शन कर पाएंगे। डिजाइन के अनुसार राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का मूल डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने 1988 में तैयार किया था। सोमपुरा परिवार ने दुनिया भर में 100 से भी अधिक मंदिरों का डिजाइन तैयार किया है, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का टोटल एरिया 70 एकड़ का है और 70 में से 2.7 एकड़ में यह मंदिर स्थित है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी सामान भारत के बाहर से नहीं मंगाया गया। इस मंदिर को L&T कंपनी और टाटा ग्रुप ने मिलकर बनाया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी कंपनियां साथ में शामिल हैं। कुल मिलाकर अनुमान है कि राम मंदिर के निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।